यूपी में 25 दिनों की किसान यात्रा पर निकले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में मत्था टेका। इस दौरान उन्होंने मंदिर के महंत ज्ञानदास से करीब 20 मिनट तक मुलाकात की। आपको बता दें कि 26 साल बाद गांधी परिवार का कोई सदस्य अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने पहुंचा। इससे पहले 1990 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी यहां आए थे। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश जाती रहती हैं, लेकिन उन्होंने अयोध्या में कभी कदम नहीं रखा। राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश यात्रा के दौरान उनके मंदिरों में जाने के कार्यक्रम के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाना चाहती है, साथ ही कांग्रेस की हिंदू समर्थक छवि बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि हिंदुत्व के प्रति नरमी दिखाने से राज्य के ब्राह्मण वोटरों का झुकाव पार्टी की ओर बढ़ सकता है। तो यूपी चुनाव कांग्रेस के लिए साख का चुनाव बन चुका है। 27 साल बाद सत्ता में काबिज होने का सपना देख रही कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। और 1992 में हुए बाबरी मस्जिद कांड के बाद राहुल गांधी का आज अयोध्या जाना कांग्रेस की रणनीति को साफ जाहिर करता है। देखते रहिए डीबी लाइव।